हेलो फ्रेंड्स, स्टोरीज कथन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड पीसीएस ग्रुप सी बीपीडीओ बीडीओ फॉरेस्ट गार्ड के लिए 100 मार्क्स का पेपर। ये हमारी 100 मार्क्स के पेपर की पार्ट 10 सीरीज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चमोली जनपद के घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखा घाट गंगा, आटागाड़, चुफला नदी या बिरही नदी। तो देखिए दोस्तों, जो चमोली जनपद का जो घाट जो जगह है, घाट में नंदाकिनी से कौन सी नदी मिलती है? तो वो मिलती है चुफल्या नदी। ठीक है, कौन सी मिलती है? चुफल्या नदी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आई है चमोली डिस्ट्रिक्ट की। तो चमोली के बारे में हम जानते हैं, जो चमोली है, चमोली की जो स्थापना हुई थी वो 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और जो यहाँ पे नंदाकिनी है, नंदाकिनी और अलकनंदा के बीच पे कौन बसा है? तो वो बसा है नंदप्रयाग। जो नंदप्रयाग है वो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ये पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। और जब यहाँ पे चमोली की बात आती है तो यहाँ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो रेणु सती हैं, रेणु सती कौन है? तो जो रेणु सती हैं ये चमोली की रहने वाली हैं और इन्हें अभी जल्द ही पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, पेटीएम के बारे में आप जानते होंगे, आजकल हर किसी के मोबाइल में पेटीएम ऐप है। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका सीईओ, ठीक है, सीईओ किसको बनाया गया है? रेणु सती को। ठीक है, ये जो रेणु सती हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये गोचर के पास झालीमठ गाँव पड़ता है, ये वहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कोईराला नदी काली नदी में कहाँ पर मिलती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है जौलजीवी, तवा घाट, धारचूला, पंचेश्वर। तो देखिए दोस्तों, जो कोईराला जो नदी है वो काली नदी से कहाँ पर मिलती है? तो वो मिलती है पंचेश्वर में। कहाँ पर मिलती है? पंचेश्वर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आई है काली नदी की। तो काली नदी के बारे में जानते हैं, जो काली नदी है ये पिथौरागढ़ में जो तिब्बत बॉर्डर है उसके पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है काली नदी? पिथौरागढ़ के काला पानी नामक जगह से निकलती है। और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में काली नदी को काला पानी गाढ़ भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो काली नदी है ये उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसकी अगर हम बात करें टनकपुर तक लंबाई, तो टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। कितनी? 252 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, जो नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है ओड़ाथली। ठीक है, क्या नाम है? ओड़ाथली। अब देखिए दोस्तों, नरेंद्र नगर जो नाम है, ठीक है, ये इसका नाम प्राचीन नाम ओड़ाथली है। और इस ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये टिहरी गढ़वाल में आता है। किस में आता है? टिहरी गढ़वाल में। और देखिए दोस्तों, जो नरेंद्र शाह हैं, नरेंद्र शाह ने 1902 ईस्वी में इसे स्थापित किया था। और जो नरेंद्र शाह हैं, इन्होंने अपनी राजधानी प्रताप नगर से कहाँ की थी स्थापित? नरेंद्र नगर में की थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर एक 5-स्टार होटल है जिसका नाम आनंद स्पा है। क्या नाम है? आनंद स्पा। ठीक है, और ये 5-स्टार होटल है, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, जो विदेशी लोग होते हैं यहाँ पर ठहरते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि आनंद स्पा कहाँ है। ठीक है, तो वो है नरेंद्र नगर में। ठीक है, आनंद स्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणगिरी पर्वत किस घाटी में स्थित है? तो जो द्रोणगिरी पर्वत है ये नीति घाटी में स्थित है। कहाँ है? नीति घाटी। और नीति घाटी किस जिले में आती है? तो ये चमोली जिले में आता है। ठीक है, किस जिले में? चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाल की वीरंगना तिल्लू रतेली की भव्य प्रतिमा किस स्थान पर है? तो यहाँ पर दिया गया है, तो जो तिल्लू रतेली है, इनकी जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है? वो है बीरोखाल में। कहाँ पे? बीरोखाल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तिल्लू रतेली की बात आती है, तो तिल्लू रतेली के बारे में हम जानते हैं, जो तिल्लू रतेली थी इनके पिता का नाम भूप सिंह था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इनके पिता का नाम क्या था? भूप सिंह। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो तिल्लू रतेली है इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि जब तिल्लू रतेली थी, जब ये पूर्वी नयार पर पानी पी रही थी, उसी समय एक कत्यूरी सैनिक था रामू रजवार, इसने पीछे से इनकी हत्या कर दी थी। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि तिल्लू रतेली की हत्या किस नदी में नहाते वक्त या पानी पीते वक्त हुई थी? तो वो हुई थी
पूर्वी नयार, और किसने की थी, तो उसका नाम था कत्यूरी सैनिक का नाम था रामू रजवार, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हर साल 8 अगस्त यानी आज ही के दिन हर साल 8 अगस्त को इनका जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है, 8 अगस्त को। और जो ये जगह है ये कहाँ पड़ता है, बैरोखाल, तो बैरोखाल जो है वो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पौड़ी में, बैरोखाल कहाँ पड़ता है, पौड़ी में, ठीक है। और यहाँ पे हर वर्ष कौथिक मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर कांड के समय किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है, तो उनका नाम था कप्तान रिकेट, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 1891 को, कहाँ पे हुआ था, तो ये पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। और भारतीय इतिहास में ये पेशावर कांड के नायक के रूप में याद किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेशावर कांड की बात आई, तो ये पेशावर कांड था क्या, तो देखिए दोस्तों, 1930 ईस्वी में गढ़वाल राइफल की जो पेशावर है, ठीक है, जो गढ़वाल राइफल्स है इसको पेशावर, यानी जो पेशावर कहाँ पड़ता है, तो पेशावर अब पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1930 में क्या हुआ था कि जो गढ़वाल राइफल है इसको पेशावर भेजा गया, क्योंकि वहाँ पे जो नमक कानून है, नमक कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था, तो जिसमें गढ़वाल राइफल्स में, जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इन्हें कहा गया कि आप इन निहत्ते लोगों पर क्या करो, गोली चलाओ, ठीक है। लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने इन पर, जो निहत्ते लोग थे, इन पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए इनको पेशावर कांड का नायक के रूप में भी याद किया जाता है, किसे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, ठीक है। तो ये कौन थे जिनका आदेश मानने से इनकार किया था, तो उनका नाम था कप्तान रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वर्निड हट किस स्थान पर है, तो जो वर्निड हट है ये कहाँ पर है, तो ये है वेदनी के पास, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो वेदनी है ये कहाँ पे पड़ता है, ये चमोली ज़िले में पड़ता है, और इसी के बगल में रूपकुंड भी इसी के बगल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे वनस्पति एवं जंतु का मिश्रित रूप निम्न में से क्या है, तो देखिए दोस्तों, वनस्पति और जो जंतु का मिश्रित रूप होता है वो किसी, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कीड़ा जड़ी। और जो कीड़ा जड़ी है ये काफ़ी हाइट पे पाई जाती है, आप अगर आप देखें तो चमोली ज़िले जोशीमठ के आसपास कीड़ा जड़ी पाई जाती है। तो इसकी खासियत यह है कि ये बर्फ़ में तो एक कीड़े की तरह होता है, लेकिन जैसे ही ये बर्फ़ पिघलता है तो ये कीड़ा मर जाता है और ज़मीन के अंदर चला जाता है, और इसके ऊपर एक फंगस लग जाता है, ठीक है। और ये फंगस ग्रोथ करता है और एक डंडे के रूप में ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाता है वो। तो यही जो होता है, इसीलिए इसको वनस्पति और जंतु का मिश्रित कहते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला कीड़ा है वो तो जंतु का रूप है, जो फंगस लग के ग्रोथ करता है ऊपर वो वनस्पति का रूप है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कीड़ा जड़ी। और कीड़ा जड़ी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कीड़ा जड़ी से क्या होता है कि स्टेमिना बढ़ाने के काम आता है, और ज़्यादातर इसका, इसकी जो खरीदारी करता है वो चाइना करता है, ठीक है। और इसको खास करके जो कीड़ा जड़ी है इसको खिलाड़ियों को दिया जाता है, खिलाड़ी, और खिलाड़ियों में भी किसे, एथलीटों को सबसे ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि इससे स्टेमिना बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ फ्रेडरिक स्मेटक का तितली संग्रहालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, तो यह है भीमताल में, ठीक है, कहाँ है, भीमताल में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तितली की बात आई है, तो हम थोड़ा कुछ और बता दें आपको कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ने 2016 में राज्य तितली का दर्जा दिया है, किसे, कॉमन पीकॉक को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन पीकॉक बटरफ्लाई, इसे राज्य तितली का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अगर इसकी हम साइंटिफिक नाम की बात करें, तो जो साइंटिफिक नेम है इसका वो है पेपिलियो पॉलिटर, ठीक है, पेपिलियो पॉलिटर इसका साइंटिफिक नेम है इस तितली का, ठीक है। क्या है तितली का नाम, कॉमन पीकॉक बटरफ्लाई, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये इसकी खासियत एक चीज़ ये है कि ये केवल भारत के, सिर्फ भारत में ही पाई जाती है, वो भारत के कहाँ, हिमालय क्षेत्र में, जहाँ पर हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 7000 फीट से ऊंची है, वहाँ पर ये जो कॉमन पीकॉक बटरफ्लाई है ये पाई जाती है। तो इसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में इसे कब राज्य तितली का दर्जा दिया गया, तो 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस पंवार शासक के काल में स्वामी रामतीर्थ 1902 में टिहरी आए थे, ठीक है, तो किसके शासन काल में आए थे, तो वो आए थे कीर्ति शाह के, किसके शासन काल में आए थे, तो वो आए थे कीर्ति शाह। अब देखिए दोस्तों, कीर्ति शाह की बात आती है, तो जो कीर्ति शाह है इन्होंने ही श्रीनगर के पास कीर्ति नगर भी बसाया है, और इन्हीं के समय 1902 में कौन आए थे, स्वामी रामतीर्थ। कीर्ति शाह ने भी कई कार्य किए थे, इन्होंने घंटाघर का निर्माण किया था टिहरी में, ठीक है। और जो कीर्ति नगर है, आज भी कीर्ति नगर, आप श्रीनगर जाते हो तो उससे पहले कीर्ति नगर है, तो वो कीर्ति नगर इन्होंने ही बसाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे केंद्र सरकार ने पवन चक्कियों को उद्योग दर्जा कब दिया गया? ठीक है, तो जो पवन चक्की हैं राज्य में, ठीक है, तो उसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2001 में। कब दिया गया? 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस चंद शासक को कुमाऊं का जमींदार भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाज बहादुर चंद को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो बाज बहादुर चंद हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और देखिए दोस्तों इसके लिए हमने चंद वंश की 150 क्वेश्चन की सीरीज भी डाली है, तो आप देख सकते हैं वहाँ हमने जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ हमने सब इंक्लूड किए हैं, और काफ़ी हमने कम से कम 10-15 बुकों से हमने जो चंद वंश के जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने कलेक्शन करके वहाँ पे डाला है, तो आप वहाँ से हमारी वीडियो देख सकते हैं। चंद वंश की, पंवार वंश की, कत्यूरी वंश, ये सब हमने वहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ बाज बहादुर के बारे में, बाज बहादुर चंद के बारे में। देखिए जो बाज बहादुर चंद हैं इनका अन्य नाम नारायण भी था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है कि बाज बहादुर चंद का दूसरा नाम क्या था, या ठीक है, तो क्या था? नारायण। और देखिए दोस्तों, बाज बहादुर चंद एक ऐसे चंद शासक थे जिनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम सेना थी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसी के शासनकाल में मुस्लिम सेना आई और उसने युद्ध किया, और युद्ध में क्या हुए थे? वो मारे गए थे, जिसके कंकाल आज भी रूपकुंड में मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जो रूपकुंड है चमोली ज़िले में जो स्थित है, तो यहाँ के लिए आपने देखा होगा कई, जो इसको रहस्य कुंड भी कहते हैं, और इसके लिए कई कथाएँ हैं, कि तो उसमें से एक कथा ये भी है कि वहाँ पर कोई सेना आई थी और जिसमें वो सेना वहाँ पर युद्ध में मारी गई और उसके कंकाल आज भी मिलते हैं। तो वो सेना किसके समय पर आई थी? तो वो बाज बहादुर चंद के ही समय वो सेना आई थी, मुस्लिम सेना आई थी, और जो कि युद्ध में मारे गए थे, जिसके कंकाल आज भी, बड़े बड़े कंकाल आज भी रूपकुंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखना दोस्तों कि जो बाज बहादुर चंद हैं इन्होंने उधम सिंह नगर में बाजपुर नगर को बसाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाजपुर नगर किसने बसाया था? तो बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखना दोस्तों कि इसने शाहजहाँ को सोने चांदी के बर्तन भी भेंट किए थे। किसने? बाज बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे माधव सिंह भंडारी के पुत्र का नाम क्या था जिसकी बलि उन्होंने मलेथा नहर निर्माण के दौरान दी थी? ठीक है, तो उसके पुत्र का नाम क्या था? तो वो था गजे सिंह। ठीक है, गजे सिंह की इन्होंने क्या की थी, जो इनके पुत्र थे माधव सिंह भंडारी के, इनकी इन्होंने बलि दी थी। अब देखिए दोस्तों, जो माधव सिंह भंडारी की बात आती है, तो आपने सुना होगा कि माधव सिंह भंडारी के आज भी पवाड़े और पखाड़े गाए जाते हैं। ठीक है, तो जो माधव सिंह भंडारी हैं इनको माधव सिंह मलेथा भी कहा जाता था, और इन्होंने 400 साल पहले पहाड़ का सीना चीर करके नदी का पानी अपने गाँव तक लेकर आए थे, और इसीलिए इनकी तुलना किससे की जाती है? दशरथ मांझी से भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड में विल्सन कॉटेज कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में जो विल्सन कॉटेज है वो कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। अब यहाँ पे उत्तरकाशी की बात आती है, तो मैंने कई बार बता दिया है आपको कि उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई है। उत्तरकाशी की स्थापना होती है 1960 ईस्वी में, और उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? सौम्य काशी बाड़ाहाट। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो गंगोत्री है वो भी उत्तरकाशी में ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे राज्य गठन के बाद सर्वप्रथम किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन थे वो राज्य के? उनका नाम था लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो लीलाधर जगूड़ी थे इनको सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बदला विवाह और तीन टिकटी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो बदला विवाह और जो तीन टिकटी जो प्रथा है वो किस में है? थारू जनजाति में। और देखिए दोस्तों, इसके लिए अभी हमने जनजातियों की हमने अलग से वीडियो बनाई है, जिसमें भोटिया, जो अंसारी, राजी, थारू, इनके बारे में हमने बताया है, तो आप हमारी जनजाति वाली वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक कितने प्रतिशत ढलान वाली भूमि पर बनाई जाती हैं? तो कितने प्रतिशत ढलान वाली? तो वो 15। ठीक है, कितने प्रतिशत? 15% जो ढलान वाली जो भूमि होती है उसमें सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा त्यौहार संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो संतान के लिए, कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है भिरोली त्यौहार। ठीक है, कौन सा? भिरोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा नरेश मोलाराम तोमर से चित्रकारी सीखने टिहरी से श्रीनगर जाता था? तो कौन थे वो? तो उनका नाम था कुंवर प्रीतम सिंह।
जो कुंवर प्रीतम सिंह थे, ये मौला राम तोमर से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाया करते थे। और मौला राम का आपको पता होना चाहिए कि जो मौला राम है ये एक फेमस चित्रकार थे, जिनकी जिनका जो दृष्टिपथ पर लाया था वो किसने आया था, मुकुंदी लाल ने। और मुकुंदी लाल की जो फेमस रचनाएँ हैं वो है गढ़वाल पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो जो कोसी नदी की सहायक कौन सी है, तो है पूर्वी रामगंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1962 में भारत तिब्बत व्यापार बंद होने के बाद इसे पुनः चालू करने के लिए किस वर्ष भारत और चीन के बीच समझौता हुआ? ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था? 1952 में। ठीक है, 1992 में। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जब 1962 था, 1962 में भारत और तिब्बत के जो बीच जो व्यापार होता था युद्ध से पहले, तो उस समय जो यहाँ की जो भोटे जनजाति थी वो तिब्बत के साथ क्या करती थी, व्यापार करती थी। लेकिन जब 1962 के बाद युद्ध हुआ था तो उस समय बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद फिर समझौता हुआ चीन के साथ 1992 में, 92 में, तो फिर से इसे खोल दिया गया। लेकिन अब उतना व्यापार नहीं होता जितना 1962 से पहले होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? ठीक है, तो गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पुरिया नेथानी को। ठीक है, इसे कहा जाता है पुरिया नेथानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चंदेश्वर मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो जो चंदेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे दिया गया है द्वाराखाल, द्वाराहाट, बाड़ाहाट, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपकी द्वाराहाट में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बेलडोना की खेती किस वर्ष की गई थी? तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, बेलडोना की खेती कहाँ की, किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, गौना झील का अन्य नाम क्या है? तो जो गौना झील है उसका जो दूसरा नाम है वो है बिरही ताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, अब यहाँ से कुछ हिंदी क्वेश्चन है, निम्न में से तत्पुरुष समाज का उदाहरण है? ठीक है, तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? तो इसका जो होगा वो होगा आजन्म। ठीक है, आजन्म, ठीक है, जन्म से लेकर आजन्म। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमने, आपने देखा होगा जहाँ पर भी कारक चिन्ह आते हैं उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विराम का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा ठहराव। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो यहाँ पे उष्म व्यंजन कौन से होंगे? तो वो होंगे आपके शौ शौ सौ ह। ठीक है, उष्म व्यंजन शौ शौ सौ ह। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों, अगर आपको ये यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप हमारे हिंदी की वीडियो देख सकते हैं, हिंदी की हमने वर्णमाला इन सब की हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, और ये हमने खास करके पीसीएस लेवल के नोट्स बनाए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही हमने इसके साथ ट्रिक भी बताई है कि आप इसे कैसे याद रखें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और कई बार ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी रहता है कि स्वर होगा या वर्ण होगा। तो इसका देखिए दोस्तों, जो भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग से बना है? ठीक है, कौन सा शब्द है जो विसर्ग से बना है? तो ये होगा अधा। ठीक है, अधा, कौन सा होगा? अधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अरे जरा इधर आओ में कौन सा व्यय है? ठीक है, अरे जरा इधर आओ में कौन सा व्यय है? तो कौन सा व्यय होगा? परिमाणवाचक। ठीक है, कौन सा होगा? परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, तो जो विद्वान है वो किस संज्ञा का उदाहरण होगा? तो ये है आपका जातिवाचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, घनानंद में कौन सी संधि होगी? ठीक है, तो घनानंद में कौन सी संधि होगी? तो ये होगी दीर्घ संधि, क्योंकि घन प्लस आनंद, घन प्लस आनंद। ठीक है, तो न यानी अ प्लस आ मिलकर के आ हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा सन प्लस कृति। क्या होगा? सन प्लस कृति, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चौलड़ी में कौन सा समास है? चौलड़ी में कौन सा समास है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के, तो इसमें कौन सा होगा?
तो यहाँ पे दिया गया है आपका, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें होगा द्विगु समास, ठीक है, चौलड़ी में, ठीक है। देखिए इस प्रकार से होगा इसका, अगर संधि विच्छेद करते हैं तो शायद इस प्रकार से होगा चार लड़ियों का समूह, ठीक है, चौ लड़ी। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी अगर हम बात करें संख्यावाची होता है तो वहाँ पे द्विगु समास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, ठीक है, तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा, तो ये होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इस प्रकार से बनेगा ये अकाल से पीड़ित। तो जहाँ पे भी कारक चिन्ह आते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो से आ रहा है यहाँ पे अकाल से पीड़ित, तो वहाँ पे क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, ठीक है, दौड़ना उठना मुस्कुराना या पीना, तो कौन सा होगा इसमें, तो इसमें होगा पीना, ठीक है, पीना क्या होगा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भौतिकवादी का विलोम शब्द क्या होगा, तो भौतिकवादी का विलोम शब्द होगा अध्यात्मवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश का विलोम क्या होगा, तो प्रकाश का विलोम होगा यहाँ पे गोपन, ठीक है, क्या होगा गोपन, ठीक है, प्रकाशन, सॉरी यहाँ पे प्रकाशन है, प्रकाशन का विलोम क्या होगा गोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द आवास का पर्यायवाची नहीं है, तो आवास का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो वो कौन सा होगा, तो होगा टगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा दास का पर्यायवाची नहीं है, तो दास का पर्यायवाची नहीं है, तो वह है परिकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आए थे हरि हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकगति का अर्थ क्या होगा, ठीक है, तो इसका लोकगति का अर्थ क्या होगा, तो वो होगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये होगा सौंदर्य का अनादर करना, ठीक है, क्योंकि चांद को सौंदर्य का देवता भी माना जाता है, तो चांद पर थूकने का मतलब होगा सौंदर्य का अनादर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, तो कौन सा होगा, तो वो होगा घोटक, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन सा देसी शब्द है, ठीक है, कौन सा देसी शब्द है, तो वो होगा छिछोरा, ठीक है, छिछोरा क्या है देसी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं शब्द विदेश विदुषी क्षेत्र ज्योत्सना श्रीमती, तो कौन सा इसमें शुद्ध है, तो वो है विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश को एक पत्र लिखनी है, सुरेश को एक पत्र लिखना है, तो कौन सा इसका सही होगा, तो ये होगा डी वाला, सुरेश को एक पत्र लिखना है, क्योंकि ये पुरुषवाचक है तो इसलिए इसमें पुरुषवाचक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन युग्म सही है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं, तो इसका जो सही होगा वो होगा पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दो बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है, तो दो बार जन्म लेने के लिए क्या होगा द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुलसीदास किसकी रचना है, तो जो तुलसीदास है वो किसकी रचना है, वो है आचार्य रामकृष्ण शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है, तो जो मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है, वो है सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था, ठीक है, तो कौन सा था वो, तो वो थे गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत यात्रा पर आए थे, तो किसके शासनकाल में आए थे, तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे, ठीक है, तो कौन थे वे, तो वे थे रामानुजन आचार्य, ठीक है, रामानुजन आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1526 दिया गया है यहाँ पर, 1576, ठीक है, 1605, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है, 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, ठीक है, तो भारत में जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी पुर्तगालियों ने, ठीक है, किसने की थी, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, ठीक है, तो कौन सा था वो, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है, तो किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1955 में। नेक्स्ट यहाँ पे पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था, तो पंजाब केसरी का जो किताब दिया गया था वो दिया गया था लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था,
ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1907 में, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट आप, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो जो भारतीय संविधान है इसे किसने बनाया था, तो इसने बनाया था संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है, देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, तो ये किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संविधान में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधेयक संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 7। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के संघवाद शासन व्यवस्था को किस देश ने अपनाया था, ठीक है, तो किसने अपनाया था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, रूस, कनाडा, ठीक है, या नाइजीरिया ने, तो किसने अपनाया था, तो कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो जो धन विधेयक है इसकी परिभाषा किस में दी गई है, तो वो दी गई आर्टिकल 110 में, 110 में। नेक्स्ट आप, किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, तो कौन सा आर्टिकल के तहत, तो वो है आर्टिकल 11, ठीक है, 11 के तहत। नेक्स्ट आप, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है इसका निलंबन कौन कर सकता है, तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के कितने सदन हैं, तो जो भारतीय सदन है इसके कितने सदन हैं, तो 2 सदन है। नेक्स्ट यहाँ पे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो ये किससे हुई थी, तो ये हुई थी इंग्लैंड से। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, तो देश का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम वाला। नेक्स्ट यहाँ पे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो जो भूगोल का जनक है ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है इरेटो स्थनीज को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो जो ग्रहों के प्रति नियम है वो किसने किए थे, तो वो किए थे प्रतिपादित केपलर ने। नेक्स्ट यहाँ पे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट यहाँ पे, वह अक्षांश रेखा जिस पर रात और दिन की अवधि समान होती है, ठीक है, तो कहाँ पे होती है, तो वो होती है भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर लाइन, ठीक है, 0° अक्षांश रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विषुवीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो जो विषुवीय जो ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है, तो वो है इटली में। नेक्स्ट यहाँ पे, प्रशांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो किसके दोनों ओर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भूमध्य रेखा के। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, तो कौन कर देता है, अम्ल, क्षार, लवण, या इनमें से कोई नहीं, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में FRI में भी पूछा गया है, ठीक है, तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था जो FRI के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्षार, ठीक है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है, जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, ठीक है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेंडल को, ठीक है, मेंडल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मटर के जो पी का प्लांट है इस पर सबसे पहले रिसर्च इन्होंने मेंडल ने ही किया था। नेक्स्ट यहाँ पे, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, तो जो कोशिका की जो आत्महत्या थैली है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मलेरिया किसके कारण होता है, तो जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अस्थियाँ एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, तो अस्थियों और जो पेशियाँ हैं इसे आपस में कौन जोड़ता है, तो ये
टेंडन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट यहाँ पे, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो कौन सी है इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, तो वो है ट्रैक बॉल। ठीक है, ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से तो कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके, तो उसमें आएगा 700। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से कुछ मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं इनको और इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका है, पहला है जो यहाँ पे, x सप्ताह और x दिनों में कितने दिन हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप सॉल्व कर लें, इसको निकाल लें, तो इसका होगा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी सी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 9वें और बाईं ओर से 6वें अक्षर पर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वें तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर के बीच के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, तो कौन सा अक्षर आएगा? तो वो आएगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पिता और पुत्र से 30 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी होती होगी, वर्षों के बाद वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 घड़ियों एक साथ 11 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं, तदनुसार वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, 1 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 98, ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 14 है और उसका अंतर 10 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 24, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वह संख्या क्या होगी जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के गुणनफल का 2 गुना है? ठीक है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 36। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने 100 मार्क्स की पार्ट 10 कंप्लीट की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसकी PDF भी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।